Hey guys, how's the Josh? मैं हूं चेतन from Gaming Josh और यह है Realme X7 Max. X7 Max में हम कर रहे हैं इसका BGMI का एक overview about what has changed with the Realme UI 3.0. ये है UI 3.0 जो नया अपडेट अभी के लिए guys बीटा में है, वो याद रख लो. हम नहीं कर रहे हैं इसका अभी तक, स्टेबल वर्जन नहीं है तो इसका फाइनल ओपिनियन तो नहीं देने वाले हैं, बट एटलीस्ट जो यहाँ पर अवेलेबल है उसमें आपको मैं दिखा दूँ. दिस इज द बीटा वर्जन ऑफ UI 3.0 विद द C.06 अपडेट. तो गेमिंग में क्या चेंजेस आए हैं, लेट्स स्टार्ट विद आउटसाइड द गेम इटसेल्फ. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो पहले गेम स्पेस नाम का जो ऐप होता था वो नहीं है, अब ये है गेम्स ऐप जो वन प्लस के फोन्स में था. लुक एट दिस गेम स्टेटमेंट और यहाँ पर वेलकम टू गेम्स और ये सब सारी चीज़ें हैं. ये अगर आपने कभी ऑक्सीजन OS वन प्लस वाला यूज़ किया है उसमें आपको दिखेगा कि ओके ये चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं. एंड इसमें आपको ऑब्वियसली थोड़े से परमिशन देने पड़ेंगे. एंड उसके बाद जब आप देखोगे दिस वुड बी द थिंग्स, आपको यहाँ पर गेम के बारे में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है. अभी आपके सामने मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ ताकि जो भी चेंजेस आए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिले. मुझे भी पता नहीं था कि अपडेट आया है, वीडियो बना रहा हूँ तो दिख गया. सो लेट्स सी. वैसे तो कुछ चेंज होना नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें आते नहीं है चेंजेस. इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यहाँ पर कितनी देर के लिए गेम खेला आपने वो दिखता है. और इसके अंदर अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं ना, तो आपको गेम्स टूल किट का ऑप्शन मिलेगा. उसके अलावा आंसर कॉल ऑन स्पीकर्स एंड देन नोटिफिकेशन स्टाइल कैसा आना चाहिए, हेडसअप नोटिफिकेशन आना चाहिए या बुलेट नोटिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन कम्प्लीटली ब्लॉक होना चाहिए. मैं तो ब्लॉक ही करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेसर द नोटिफिकेशन, लेसर द पॉपअप्स, लेसर द हेडेक वाइल प्लेइंग. 4D वाइब्रेशन, गेट एन इमर्सिव ऑडियो विजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस. 4D वाइब्रेशन इतना खतरनाक काम नहीं करेगा, बट एटलीस्ट करता है ये वर्क और ये सारे गेम में काम नहीं करता, वो सबसे बड़ी बात है जानने की. पबजी मोबाइल अगर आप खेल रहे हो तो यस उसमें काम करेगा, लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड ड्रिफ्ट में भी करेगा, बट नॉट इन BGMI राइट नाउ. सो वो एक चीज़ है. स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग इज समथिंग यू कैन एक्चुअली यूज. अगर नेटवर्क एक स्लो है बाकी उससे फास्टर लग रहा है तो खुद ही वो स्विच कर देगा अगर गेम्स ऐप में आप हो तो. ऑटो रेजोल्यूशन भी एक चीज़ है जो स्क्रीन रेजोल्यूशन को आपके फोन के टेम्परेचर और बैटरी के हिसाब से सेट कर देगा और थोड़े गेम्स में काम करता है, बट मैं इसको ऑफ करूंगा क्योंकि यूजुअली क्या है ना, आप अगर मतलब फोन ज़्यादा हीट हो रहा है तो आपकी ग्राफिक क्वालिटी को पूरा गिरा देगा और वो रेजोल्यूशन को ही गिरा देगा. सो दैट इज़ वन थिंग. अब गाइस क्योंकि ये गेम्स ऐप है तो इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है वो हम यहाँ पर आपके साथ बात करेंगे. आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. एटलीस्ट हाँ, ये लॉन्च गेम्स फास्टर इज द क्विक स्टार्टअप. तो आप अगर गेम को यहाँ पर जाके बैकग्राउंड ऐप सारे अगर क्लोज भी करोगे, लेट मी शो यू दैट. ये रहा बैकग्राउंड ऐप. अगर हम नीचे यहाँ पर क्लोज ऑल पे दबाते हैं तो आप देखोगे BGMI स्टिल सिटिंग ओवर देयर. BGMI बंद नहीं होता क्योंकि क्विक स्टार्टअप में वो बैकग्राउंड में इस ऐप को रखता है एटलीस्ट, ताकि आप जहां पर थे वापस वहीं पे चले जाओ. अब ये चीज जो है यहां से जब हम ड्रैग करते हैं, दिस इज समथिंग न्यू फॉर Realme UI 3.0. मतलब Realme UI में पहले ये चीजें नहीं थी, 3.0 के इंट्रोडक्शन के बाद ये चीजें आई हैं. तो X7 Max में आपको क्या क्या नया मिलता है, पहली बात तो ये मोड थे, मोड के नाम चेंज होते रहते हैं तो फंक्शनलिटी स्टिल रिमेन्स द सेम गाइस. तो यहाँ पर फंक्शनलिटी अगर आप देखो तो कितना वो गेम मोड, बैलेंस मोड, लो पावर मोड सब कुछ सेम ही है, कोई फर्क ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा उसमें. तो गेम मोड पहले होता था, परफॉर्मेंस मोड ऐसा कुछ होता था, बट अभी के लिए दिस इज द हाईएस्ट मोड, दैट इज द गेम मोड. गेम फोकस मोड एक चीज है जिसमें आप ये सारी चीजें देखोगे, दैट इज ब्लॉक गेम टूल किट. जो टूल किट अभी जो देखा वो टूल किट है, टूल किट को ब्लॉक कर देगा, गेस्ट नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देगा, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देगा, क्विक सेटिंग्स, अलार्म, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा. इसको आप टर्न ऑन करोगे तो आप कुछ भी ट्रैक करो, ऊपर से मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं होगा, नीचे से यहाँ से लेफ्ट से मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं होगा. एंड अभी सिर्फ अगर मैं यहाँ से ट्रैक करूंगा एग्जिट गेम फोकस मोड पे आएगा, उसको टैप करने के बाद इफ आई ड्रैग दिस डाउन तो नोटिफिकेशन खुल जाएगा, यहाँ से लेफ्ट में नेविगेशन बटन आ जाएंगे, ये टूल किट आ जाएगा. तो गेम फोकस मोड एक्चुअली हेल्प करता है अगर आप गेम खेल रहे हो, आपको कोई और हेडेक नहीं चाहिए तो. स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यहाँ पर शॉर्टकट आ चुका है. टच ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या क्या मिलता है देख लीजिए. टच सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, स्वाइप की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो. उसके अलावा नोटिफिकेशन ड्रॉ मिसेज और गाइस टच ऑप्टिमाइजेशन आपको तभी देखना चाहिए, यूज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अगर आपको गेम में अभी के लिए जो सेटिंग्स पे चल रहा है उस पर आपको सेट नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि भाई मेरा टच सेंसिटिविटी थोड़ा कम लग रहा है, मेरे को और भी सेंसिटिव चाहिए, टच होते ही वो टैप होना चाहिए, वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो. उसके अलावा गाइस सिस्टम स्टेटस, ये चीज़ है जो मेरे टेस्टिंग में हेल्प करती है, आपको भी टेस्टिंग में यही चीज़ हेल्प करेगी, दैट इज दिस. इसको आप सेट करके रख दो जब आप खेल रहे हो और CPU यूसेज देखते रहो, GPU यूसेज देखते रहो. CPU यूसेज इतना ज़्यादा अगर 8179 है, इसका मतलब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में करोगे ना तो ये और बढ़ जाएगा और उस टाइम पे फोन थोड़ा लैग होना लग जाएगा. तो बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर दो या नहीं तो एक बार फोन को रिस्टार्ट करने का ट्राई करो, होपफुली उससे थोड़ा CPU यूसेज कम हो. इतना तो यूजुअली नहीं होता है, अभी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, बट दैट्स ओके. अभी के लिए तो मैं आपको बस एक गाइड के लिए बता रहा हूँ. यहाँ पे FPS इज इम्पॉर्टेंट, ये तीनों में से जो लेफ्ट वाला फर्स्ट वाला है दैट इज द FPS,
जो हम दिखाते हैं कि कितना फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉइस चेंजर, दिस इज समथिंग न्यू गाइज, ये पहले नहीं था रियलमी यू आई के अंदर, अभी फाइनली ये ऑप्शन भी आ चुका है, दैट्स द वॉइस चेंजर। डिफरेंट वॉइस इफेक्ट्स मेक इन गेम चैट्स मोर फन, वॉइस चेंजर नाउ सपोर्ट्स डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड में भी काम करता है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, हाई एंड डीप, बस इतना ही है, मैंने भी चेक नहीं किया था गाइस, कंटिन्यू, हाई टू ऑप्टिमाइज वॉइस इफेक्ट, सेलेक्ट अ वॉइस, ओके ठीक है। अच्छा नहीं, उसके अंदर हाई एंड लो में जाके अब यहाँ पर आप उसको नन नाइट, अच्छा एक सेकंड गाइस, मेरे आवाज को कौन सा मैच करता है, तो मेरा थोड़ा डीप रहता है वॉइस, तो उसके अगेंस्ट अब नाइट, किड, एलियन, रोबोकॉप, जायंट, ये सारे अलग अलग साउंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरे को इसको परमिशन देना पड़ेगा माइक्रोफोन को। ओरिएंटेशन लॉक है ऑब्वियसली, मतलब आपको पोर्ट्रेट पे रखना है तो पोर्ट्रेट पे चिपक के रहेगा, लैंडस्केप पे रखना है तो लैंडस्केप पे, ऑब्वियसली आप हमें लैंडस्केप में ही चाहिए। एडिट में जाओगे तो आप एप्स कुछ ऐड कर सकते हो, एप्स इज जो इनिशियली ऊपर जो ऐप दिख रहे हैं आपको, व्हाट्सएप, मैसेंजर एंड डिस्कॉर्ड, तो आप शॉर्टकट ऐप्स कोई भी यहाँ पर चला सकते हो, तो उसके लिए ये रहा। एंड अब अगर हम सेटिंग्स की बात करें, X7 Max में ही अगर हम सेटिंग्स की बात करें गाइस, द वन मेजर इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट अभी जो आप नीचे फ्रेम रेट देख रहे हो, एक सेकंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एंड आपको मैं अगर बताऊँ, मैंने ऑलरेडी इस पर स्ट्रीम किया था, आपको अगर याद हो तो कल ही तो किया था स्ट्रीम, और उसमें आप अगर देखोगे पहले जो 90 आता था व्हाट्सएप के अपडेट के साथ, वो अब यहाँ पर नहीं आ रहा। मैं ग्राफिक्स में जाके इसको लॉबी को कर देता हूँ स्मूथ एंड 90, अभी भी ऑप्शन 90 का है गाइस, बाई डिफॉल्ट ही आपको 90 का ऑप्शन मिल रहा है, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ उस पर टूल्स लगा के या कुछ करके कर रहा हूँ, आपको जो है वही दिख रहा है। बट अब इसमें 90 के लिए हम लोग पहले ना व्हाट्सएप को ऊपर लाते थे, उससे वो 90 जाता था फ्रेम रेट, अभी देखो यहाँ पर आपको 90 दिख रहा है, अब वो वापस आ जाएगा 60 पे। दिस इज समथिंग दैट हैज चेंज वेरी बैडली। अब ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को मैं पकड़ के ऐसे खेल रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो आप 86 पे है, 87 फ्रेम रेट्स है, 85 इतना जा रहा है, व्हाट्सएप छोड़ दिया मैंने, और अगर मैं बैकग्राउंड गेम पर टैप किया, कहीं सेटिंग्स पर गया, कहीं भी गया, इट वुड फॉल डाउन टू 60 और 70, 90 पे नहीं रुक रहा। अभी मेरे को लोगों ने बोला कि भाई व्हाट्सएप को आप टैप करके उसके बाद छोड़ दो छोटा करके, मैंने व्हाट्सएप को छोटा कर दिया, देखो अभी भी वो 90 पे है। नाउ इफ आई गो बैक टू द गेम, इट गोज टू 72 एंड 70, एंड वापस 70 या 60 किसी एक पे जाके वो अटक जाता है। सो द व्हाट्सएप थिंग इज नॉट वर्किंग नाउ गाइस, और कोई हमें अभी तक तो ऑप्शन नहीं दिखा जिससे हम अब 90 इसका कंटिन्यूसली चला पाए। तो अभी अगर आप यू आई 3.0 करना चाहते हो और पहले भी आप 60 पे खेलते थे, आई वुड से ठीक है आप कर सकते हो यू आई 3.0 पे अपडेट, एंड 60 पे अगर आप खेलना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अगर आपने वो व्हाट्सएप ट्रिक यूज करके यू आई 2.0 में 90 अनलॉक किया था, 90 पे खेलते थे आप, देन डोंट डू दिस अपडेट, अभी के लिए ये अपडेट मत करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन योर FPS टू either 60 और 70, और वो एक मतलब एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा अगर आप वो ट्रिक यूज करते थे। अब तो वो ट्रिक काम ही नहीं कर रही, आपके सामने मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ट्रिक अब बिल्कुल ही काम नहीं करती। 92 जो 89 दिख रहा है, वापस मैं गेम में आ गया, सीधा 69 71, देखिए 70 तक आ गया। सो दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली आई वुड से अ बैड थिंग और अ बैड अपडेट, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है ये गाइस, ये जो अपडेट में ये फीचर्स जो एडिशन हुए ना, बहुत अच्छे अपडेट्स है एडिशन हुए हैं। बट सबसे मेन चीज़ थी भाई जो 90 FPS जो पहले एटलीस्ट आता था एक व्हाट्सएप ट्रिक के साथ, वो अब नहीं हो रहा, 60 या 70 FPS ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो दैट इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड, अगर आप यू आई 3.0 के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसमें अपडेट करूँ या ना करूँ, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अभी के लिए अपडेट को रोक दो, आप मत करना। वैसे भी बीटा है, दैट इज अनदर थिंग कि बीटा और स्टेबल में डिफरेंस आते हैं, और स्टेबल में क्या पता चेंज आ जाए, बट एटलीस्ट बीटा में करना चाहते हो कि ये देखे कि भाई FPS मीटर भी आ गया, तो मैं FPS देखते देखते खेलूंगा, पता चलेगा मेरे को भी कैसा है। उसके अलावा वॉइस चेंजर के लिए मैं ट्राई कर लूँ इसको, तो वो चीज़ों के लिए आप मत कीजिए अगर आप 90 पे पहले खेलते थे, वो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और गाइस बाकी तो ये दो तीन चीज़ें जो गेम के अंदर थी वो अलग है, एक बैटरी सेटिंग्स की फाइनल चीज़ है जो आपको याद रखनी है, अगर आप परफॉर्मेंस कभी भी बढ़ाना चाहते हो तो परफॉर्मेंस इससे बढ़ता भी है, यू शुड एक्चुअली गो टू दी बैटरीज एडवांस सेटिंग्स एंड परफॉर्मेंस मोड में जाके हाई परफॉर्मेंस मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी आप गेम खेल रहे हो। गेम खेलना खत्म होते ही आपको सीधा वो बंद करना चाहिए क्योंकि फोन काफी हीट होता है और बैटरी भी ज्यादा ड्रेन होती है। सो दैट इट इज, दिस वॉज द क्विक अपडेट अबाउट द रियलमी UI 3.0 बीटा अपडेट ऑन द रियलमी X7 Max।
क्या क्या फीचर्स एडिशन हुए, क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर, वो मैंने बताया आपको। और ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि फीचर एडिशन काफी अच्छे हुए हैं और चेंजेस भी काफी अच्छे हैं, मगर 90 एफपीएस निकाल देना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइजेस। यहाँ पर 90 निकाल नहीं दिया है, ऑप्शन है बट आउटपुट नहीं आना इज कॉम्प्रोमाइज ओवर हियर। सो अभी के लिए आई वुड से वेट अंटिल स्टेबल अपडेट अराइव्स। मैं तो चेक करूंगा अपने फोन में कि हुआ नहीं हुआ अपडेट और क्या सीन है उसका, बट आप रुके रहिए तब तक। तब तक अगर आप 2.0 पे चल रहे हो देन स्टे ऑन दैट। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भूलिए, शेयर करना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश हाई, सी यू नेक्स्ट वीडियो।